मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदा आप सबके साथ हो। काफ़ी लोगों का सवाल, एक ही सवाल कि हमें फलाना राग भी आता है, हमें फलाना राग भी आता है, लेकिन हमें बजाना नहीं सही तरह आता, हमें पता नहीं चलता। खुसूसी तौर पर राग यमन के बारे में लोग बहुत सवाल करते हैं, तो आज मैं आपको राग यमन बताऊँगा। और राग यमन में हर एक तरीके से आपको कोशिश करूंगा समझाने की। राग यमन में मा तीव्र लगता है और नी जो है इसमें शुद्ध लगता है। ये दो चीजें जो है ये बहुत खास चीजें हैं, ठीक है। अभी जो मैंने नया गीत किया है ये खुदावन के फजल से कल चैनल पर रिलीज हो जाएगा, और आप लोगों ने उसे शेयर करना और भरपूर तरीके से उस गीत को अपनी सपोर्ट देनी है, ठीक है। नया गीत है तो साथ मेरे बहन ने भी गाया है, आप लोग जरूर इस गीत को सपोर्ट कीजिएगा। खुदा आप सबके साथ हो। तो अभी हम राग यमन देखते हैं। यार पता क्या हुआ, सुर जो है कैपलर है हारमोनियम, तो इस वजह से कहीं फंस गई थी। चले अभी ठीक होगी। नीरे सीधा सीधा बताते हैं, सरे ग म प ध नी सा नी ध ब म ग रे सा। अभी राग यमन जो शुरू होता है वो ऐसे शुरू होता है, नी रे ग म प ध नी सा नी ध ब म ग रे सा। राग जो यमन है ये कल्याण ठाट का राग है। कल्याण ठाट जो है ये राग यमन का मतलब बाप है, आप समझ लगे इसमें से ये राग पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी आपको इस चीज का भी इल्म होना चाहिए। नीरे का मा पर मध्यम से मतलब इसमें तीव्र मा आता है, अगर शुद्ध मध्यम लगने से ठाट वही रहेगा, राग चेंज हो जाता है, ठीक है। कुछ लोग सीधा सीधा राग बजा देते, सीधा सीधा राग बजाने से राग की शक्ल का भी नहीं पता चलता कि ये करना क्या चाह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी लोग ना सवाल करते हैं, फिर खुदा के बारे में जितना मुझे पता होता मैं बता देता हूँ। सानी आगे फ्री शेयर करेंगे तो जरूर शेयर कर दिया करें, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है।
भी हक बनता आगे शेयर करना। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको हिफाजत में रखे। तो चैनल को जब भी सब्सक्राइब करते हैं साथ बेल को दबा लें ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंचे। खुदा आप सबके साथ हो।